हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सर्विस मार्केटिंग पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी का सर्विस मार्केटिंग पे क्या असर हुआ है लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्या है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है कि टेक्नो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है सर्विस मार्केटिंग पे तो टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनलाइज द सर्विस सेक्टर्स एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन दिस सेक्टर ठीक है टेक्नोलॉजी एक तरीके से क्या कर दिया है पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर को बदल के रख दिया है और हमें इसका इम्पैक्ट इस सेक्टर पर देखने को मिला है फॉलोइंग्स आर सेवरल आस्पेक्ट विच आर एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ इट्स इम्पैक्ट ठीक है कुछ ऐसे आस्पेक्ट हैं जिसको आप एग्जांपल इसका प्रूफ एज अ प्रूफ की तरह इसके इम्पैक्ट के प्रूफ की तरह एग्जाम्पल ले सकते हो वो क्या है पहला है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड नेशनल एंड ग्लोबल ऑनलाइन सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन टू सर्विस कंप्यूटर्स हु रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड विश टू प्लेस ऑर्डर ठीक है अब पहला तो ये है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टेली के थ्रू क्या हुआ है आप नेशनली या इंटरनेशनली ठीक है कहीं भी अपने सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हो आप अपने सेंट्रल लेवल से आप जहां प्रोड्यूस कर रहे हो वहां से बैठे बैठे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो अपना प्लेस ऑर्डर करें और आप उन तक वो ऑर्डर पहुँचा दोगे ठीक है आप उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करा दोगे दूसरा है टेक्नोलॉजी इज़ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम द मार्केट प्लेस ठीक है टेक्नोलॉजी अब ऐसी हो गई है कि आपको तुरंत या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप तुरंत क्या कर सकते हो मार्केट से अपना फीडबैक भी ले सकते हो रियल टाइम का कि क्या उनका फीडबैक है थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू लोअर कॉस्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव द वे ऑफ़ डिलीवरी पुट मोर इंफॉर्मेशन इन द हैंड्स ऑफ सर्विसेज ठीक है टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कॉस्ट कम हो गई है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है आपकी डिलीवरी की क्वालिटी क्या हो गया है वे इंप्रूव हो गया है और अब सर्विसेज के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनलाइज द सर्विस कलेक्ट डाटा ऑन नीड्स एंड डिज़ायर एंड वैल्यू डिफरेंशिएट द सर्विस एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स अब क्या होते हैं आप वही आप क्या करते हो कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हो उनके डिजायर्स के अकॉर्डिंग उनको वैल्यू देते हो और उन चीजों को डिफ्रेंशिएट करके आप कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो नेक्स्ट है, है हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ इमेज प्रोसेसिंग डेटा बेसिस एक्सपर्ट सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क आर ऑफरिंग सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ ये सब जो चीज़ें हैं इमेज प्रोसेसिंग डाटा बेस एक्सपर्ट सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क ये सब क्या कर रहे हैं आजकल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ठीक है सर्विस को ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वन है हमारा कंज्यूमर कैन मेक देयर ओन एयरलाइन रिजर्वेशन चूज़ रेस्टोरेंट इन सिटीज़ फॉर फ्रॉम देअर होम कंप्यूटर कस्टमर्स क्या कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं अपने मनपसंद के रेस्टोरेंट को चूज कर सकते हैं टॉक टू अदर यूजर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चेक द वेदर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है वो लोग क्या कर सकते हैं एक जगह पे बैठे बैठे दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं हर जगह के वेदर्स को चेक कर सकते हैं एक्सेस टू तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सर्विसेज ठीक है वो लोग क्या कर सकते हैं हर जगह के लाइब्रेरी सर्विस को ले सकते हैं ऑन डिमांड केबल प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सब वो कब कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर पाते हैं नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट एक्साइटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ वर्चुअल रियलिटी, द यूज़ ऑफ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट विच यूजेज मल्टीपल सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू रिक्रिएट एंड सिम्युलेट अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्क्राइबड इन द डेटा क्या सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है अब क्या हो गया वर्चुअल रियलिटी रियल टाइम रियलिटी आपको पता चल सकती है आप अपने इन्वायरमेंट में Uh, जो अलग अलग तरीके के सेंसर्स आ गए उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो रियल टाइम डेटा को कलेक्ट कर सकते हो देख सकते हो क्रिएशन ऑफ़ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज़ अ पोटेंशियल प्रोवाइडर ऑफ़ सर्विस ठीक है आप क्या कर सकते हो अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो सेल्फ सर्विस ऑपरेशन लाइक सेल्फ सर्विस पेट्रोल पंप्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन इन बैंक्स अवेलेबल फ़ॉर ट्वेंटी फोर आवर्स एट लोकेशन वेयर पर्सनल सर्विसेज इज़ अनफीजिबल और जहाँ पे आप पर्सनल सर्विसेज नहीं दे पा रहे हो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो सेल्फ़ सर्विस लगा दे रहे हो जैसे सेल्फ सर्विस आप खुद से पेट्रोल भर सकते हो आप क्या कर सकते हो ए से मशीन ए से पैसे निकाल सकते हो ये सब ट्वेंटी आवर्स के जो है सुविधाएँ और आपको हमेशा मिलती है और ये आप खुद से कर सकते हो आपको कोई अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें नेक्स्ट वन है क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट अब हर जगह क्या हो गया एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बन गया है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां जाके क्या कर सकते हो सॉल्व करा सकते हो फिर डेटा मार्केटिंग इज अलाउंग मार्केट्स कस्टमाइज देयर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स जो डेटा मार्केटिंग है वो क्या कर रहा है मार्केटर्स को अलाउ कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट कंज्यूमर से बात कर सकते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो मोबाइल इंटरनेट थ्रू सेल फोन्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑफ डिलीवरिंग एडवर्टाइजमेंट मैसेज एंड सेल फोन ठीक है अब जो मोबाइल फ़ोन हो गया है उसमें डेटा की वजह से आप क्या कर सकते हो उनको डिलीवरी का स्टेटस दिखा सकते हो उनको मैसेज भेज सकते हो उनको फ़ोन कर सकते हो नेक्स्ट वन है हमारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एन ईजी वे फॉर कस्टमर्स टू लोन एंड रिसर्च ठीक है अब क्या हो गया लीन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी क्या हो गया लोगों को एक ऐसा तरीका हो गया जिससे कस्टमर्स क्या कर सकते हैं आराम से आपके सर्विस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करनी हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं थैंक यू